कय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नमः ॐ विष्णुपादाय श्री गौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थ गोस्वामिने नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुत सक्त सुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधवदेवपदम्। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोट साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं श्रील भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्रीपाद पद्म में असंख्य कोट साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोग यहाँ पर वैष्णव संघ के बारे में श्रवण कर रहे हैं। संघ की अनिवार्यता अत्यंत अनिवार्य होने के कारण उसके बिना कोई गति न भी ना होने के कारण एक साधक को बहुत सोच विचार के ही उस कार्य में प्रवृत्त होना पड़ता है। जब संघ के बिना गति नहीं है तो संघ भी श्रेष्ठ ही होना जरूरी होता है। ऐसा अनुगत्य विहीन साधन को गोविंद स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान स्वयं भक्त के अधीन होकर भक्त के अनुगत चलना स्वयं पसंद करते हैं। अनुगत में चलने का मतलब है कि समर्पण और प्रेम का वो प्रतीक है। हम किसी को तभी फॉलो करते हैं जब उसका साथ में हमारा एक प्रेम का बंधन होता है, हमारा उसके प्रति समर्पण होता है, उसका श्रेष्ठता समझ में आता है, उत्कृष्टता समझ में आता है। भक्त इतना बड़ा होता है क्योंकि वो भगवान को भी अपने वश में कर लेता है। भक्त भगवान के अतिशय प्रिय होता है। भक्त वो होता है जिसके बिना भगवान रह ना पाते। भक्त वैसे भगवान के बिना नहीं रह सकता, लेकिन भक्त वो होता है जिसके बिना भगवान भी नहीं रह सकते। भक्त के विरह में व्याकुल होके भगवान ही चंचल हो जाए, ऐसे जो श्रेष्ठतम भक्त होते हैं उनका जब हम अनुगत्य करते हैं, उनके पदचिह्नों पे चलते हैं, तब जाकर के भगवान का वो जो भक्ति वो प्रेम हमें भी प्राप्त होता है, अन्यथा प्राप्त नहीं होता। इसलिए हम लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे भक्त कौन होता है, वो किस प्रकार से अपने उन गुणों को दर्शाता है, स्वरूप और तटस्थ दोनों ही को।
ऐसा हम लोग चर्चा कर रहे थे कल। बोलते हैं जो व्यक्ति ये सोचता है कि जितना भी ऐश्वर्य है वो मेरे भोग के लिए है, मेरे अपने उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए, वो वैष्णव होने के लिए उपयुक्त नहीं होता, योग्य नहीं होता। वैष्णव हमेशा इस बात को समझता है, बोलते जितना भी है द्रव्य जो मुझे प्राप्त हुए हैं वो सब भगवान का सेवा के लिए ही प्राप्त हुए हैं। इसलिए वो चाहे गृहस्थ हो चाहे त्यागी हो कोई भी हो, भाव एक ही रहता है। और क्या बोलते हैं, कामिनीर काम नहे तव धाम, ताहार मालिक केवल यादव। शुद्ध भक्त जो होता है उसके अंदर कामना होता है, ऐसा नहीं कि कामना नहीं होता। कौन सा कामना होता है, कृष्ण प्राप्ति की कामना होता है, कृष्ण दर्शन की कामना होता है, इसके अलावा और कोई कामना नहीं होता। विशेष करके जो कामिनी है मतलब स्त्री के लिए, पुरुष पुरुष के लिए, स्त्री की जो वासना पूर्ति का दृष्टि से, वो बोलते हैं वो उसके प्रति उनका झुकाव नहीं होता, मतलब वासना की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता कभी भी। उनको मालूम है कि ये हमारा क्षेत्र नहीं है। कौन है, ताहर मालिक केवल यादव, भगवान भोगता है। ये जितने भी गोविंद की परिचारिकाएं हैं, गोविंद की दासियां हैं, हमारा नहीं, हमारे लिए नहीं। इसलिए वासनामयी बुद्धि से किसी के प्रति दर्शन ही नहीं होता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बोल दिया, पर स्त्री मात्र समान। बोलते दूसरी जो स्त्री है मतलब अपने धर्म पत्नी के अतिरिक्त तो सब माता ही है, मातृव परदारेश, स्त्री को माप के रूप में दर्शन करते, अपने भोग्या के रूप में दर्शन नहीं करते। ऐसा क्योंकि उसका जो काम है वो प्रेम हो जाता है, इसीलिए ये सारी चीजों के प्रति स्वाभाविक रूप से उसका आकर्षण नहीं रहता है। स्वाभाविक रूप से, ऐसा नहीं कि वो अंदर से उठा के फेंक दिया, वो निकल जाता है, वो रहता ही नहीं। एक भक्त जो होगा, एक वैष्णव जो होगा, वो काम का दास नहीं होगा। जो काम का दास होता है, वासना का दास होता है, विषय का दास जो होता है, वो फिर वैष्णव नहीं होता। वैष्णव दास हो सकता है, वैष्णव बनने के लिए आया हुआ एक साधक हो सकता है। जो शुद्ध वैष्णव होता है उसकी कामना एक केवल मात्र कृष्ण कामना होता है, और उसमें भी ऐसे भक्त जिसने कृष्ण को अनुभव किया, उसके जीवन में किसी और वस्तु के प्रति अभिनिवेश हो ही नहीं सकता। वो चाहे कनक हो चाहे कामनी हो, लेकिन अगर है मतलब है कि वो वैष्णवों के पच्चीनों पे चल रहा है, अपने आप को शोधन करने के पथ पे है। इसलिए यहां पर बता रहे हैं उसका जो स्वामी है वो कौन है, वो यादव है, वो जीव नहीं है। इसीलिए जीव कभी भी इन चीजों में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, और जो प्रवृत्त हो गया या जो उसी में है लिप्त है, ऐसे व्यक्तियों का संग करने पर हमारा मंगल नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्तियों का संग करने पर हमारा मंगल नहीं हो सकता कभी भी। जब हम लोग केवल मात्र उनके बाह्य आचरण को देखकर, केवल मात्र उनके विचारों को सुनकर अगर हम पहुंच जाते हैं, वो भी पर्याप्त नहीं होता।
हमें समझना होगा कि इनका जीवन का उद्देश्य क्या है, ध्येय क्या है, और उस उद्देश्य की तरफ कितना उत्साह के साथ में, कितनी तत्परता के साथ में वो व्यक्ति का गमन हो रहा है, चल रहा है, और उसके परमार्थिक आचरण किस प्रकार से, वो सब समझकर तब संग करना होता है। जब ये चीजें दिखते नहीं है तो इसका मतलब हम संग नहीं करेंगे या निराश होंगे, ऐसा भी नहीं है। हमारे अंदर इन चीजों की चाहत रख के हम जब चल रहे हैं तो भगवत कृपा से, गुरु कृपा से उपयुक्त और योग्य जो संग है वो हमारे जीवन में स्वयं ही चल करके आ जाता है। तब ये सारी चीजें हमें वहां पर मूर्तिमान रूप से दिखाई देगा। इसमें काफ़ी कुछ है रूपा जी ने जो लिखा, लेकिन हम थोड़ा सा आंशिक रूप से ही चर्चा करेंगे। यहाँ पर बता रहे हैं, क्या बोलते हैं, कभी भी भूलना नहीं। जो शुद्ध भक्त जो होगा वो क्या करता है, भगवान का नाम को उच्च स्वर में करता है, मतलब से चिल्ला चिल्ला के करता है। गुरु महाराज जी इस विषय में अक्सर बोलते हैं फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट, यहां से अंदर से जो है निकाल करके उच्चारण करना होता है। भगवान का जो नाम एक शुद्ध भक्त जो उच्चारण करता है वो कैसे करता है, वो कि हृदय के अंदर से निकाल के करता है। इसलिए बोलते हैं मुख से नहीं हृदय से बोलो। अक्सर इस बात को गुरु महाराज जी बोलते हैं न धनम, बोलते यहां से नहीं, यहां से बोलो। एक लेटर भी है गुरु जी का, उसमें गुरु जी बोल रहे हैं कि यहां से बोलता है, बोलते यहां से बोलता है, ना जन्म यहां से बोलता है। तो इसीलिए बोलते हैं जो एक शुद्ध भक्त होता है, वैष्णव जो होता है, वो हृदय के अंदर से भगवान का नाम को निकाल के उच्चारण करता है, बोलता है, कीर्तन करता है। इसीलिए भगवान के नाम में वीर आता है। क्यों बोला भगवान ने सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, भक्तों के पास जाकर के मेरे वीर्यवती कथा को चर्चा करो। सताम प्रसंगान, अगर वो भक्त नहीं है वहां पर हरि कथा के अंदर वीर्य नहीं हो सकता। वीर्य मतलब बल, भगवान की अवस्थिति। इसी कारण से जब ऐसा भक्त भगवान का नाम उच्चारण करता है या उसका दर्शन होता है, सामने वाले व्यक्ति के मुख से भी भगवान का नाम निकल जाता है। सामने जो आता है, बोलते इसीलिए बोला वो उत्तम श्रेणी का भक्त होता है जिनका दर्शन करने मात्र से भगवान का नाम व्यक्ति के जीवा से स्वतः निकलता है। उसका कारण यही है, क्योंकि कृष्ण का जो बल है वो उस भक्त के जीवा के ऊपर, उनके हृदय के अंदर विराजमान है। इसलिए जब वो भगवान का नाम निकालते हैं वो केवल खोखला नाम नहीं होता, वो शुद्ध नाम होता है। उस नाम के अंदर भगवान का विराजमान होते हैं। इसीलिए बोल रहे हैं कि भक्त को क्या करना चाहिए, कि भगवान का नाम को उच्च स्वर में करना चाहिए, हृदय के अंदर से निकाल के करना चाहिए। और ये भी एक चीज को हमें समझ लेना चाहिए, जो युक्त वैरागी होते हैं, कोई फल्गु वैरागी होते हैं,
और जो कोई बद्ध होता है कोई मुक्त होता है सबको जो है एक तरीके से नहीं देखना चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इससे क्या अनर्थ होता है, हम भक्त को नहीं पहचान पाते, फिर ना हम कनिष्ठ को पहचान पाएंगे, ना हम मध्यम को पहचान पाएंगे, ना हम उत्तम को पहचान पाएंगे, वैष्णव कोई नहीं पहचान पाएंगे। ये तो वैष्णव कौन है उसके बारे में बोल रहे हैं। उसके बाद आगे की विचार आता है देखा जाए तो। इसलिए यहां पर क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं इनको एक कभी भी नहीं देखना। हमने इसके बारे में सुना पहले, फल्गु वैराग्य के बारे, बंदर जैसा जो वैराग्य होता है, मरकट वैराग्य जो होता है वो ठीक नहीं होता। कई ऐसे भी वैराग्य दिखाते हैं, बंदर जैसे वैराग्य दिखाते हैं, देख के लगता है कि कितना विरक्त हो गया, लेकिन अंदर अंदर से जितने भी अशेष कामनाएं जो है वो हृदय के अंदर ही बैठा हुआ है, वो शेष ही नहीं हो रहा। इसीलिए एक वैष्णव वंदना में तो आता है, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कि रूपे पाई वो सेवा मुई दुराचार, श्री गुरु वैष्णवे रति नाहैलो अमार, अशेष माया ते मौन मगन हैलो। ये जितना भी है ये जो कामनाएं ये सब माया के अधीन ही होते हैं, ये सब हृदय के अंदर घुस के बैठ गए हैं, और इससे निस्तार कैसे होगा, बोलते हैं वैष्णव की कृपा के बिना, भक्त कृपा के बिना इससे कभी भी निस्तार नहीं हो सकता, इससे साधक का उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए भाई जितने भी हैं, फल्गु वैरागी है, बंदर जी से वैरागी, उसको शास्त्रों ने स्वीकार नहीं किया है, और जो वैष्णव होता है कभी भी ऐसे वैराग्य नहीं करता, बाहर से वस्तु का त्याग करके भीतर में उसको भोग करने का इच्छा वो कभी भी नहीं रहता भक्त के अंदर, ये विशेषता। इसलिए उसके अंदर द्वंद्व नहीं रहता है, वो बोलते अंतर बाहिर समव्यवहार, अंदर से बाहर से एक जैसा रहेगा, अंदर वैराग्य है तो बाहर भी वैराग्य है, अंदर भोग है तो बाहर भोग है। जो भक्त होता है उसका अंदर बाहर एक जैसा होता है, इसीलिए वो परम वैरागी होता है। लेकिन कई बार युक्त वैराग्य भी करना पड़ता है परिस्थिति के अनुसार, इसीलिए बोलते हैं उनको तुम एक मत समझ लेना। भक्त का जो युक्त वैराग्य है वो पूर्ण वैराग्य है, क्योंकि युक्त वैराग्य इसीलिए है कि भगवत सेवा के लिए जो अनुकूल है उसी को ग्रहण करना। युक्त वैराग्य मतलब है कि जो सेवा के अनुकूल, भगवत प्रीति के लिए अनुकूल, प्रेम प्राप्ति के लिए अनुकूल, सेवा प्राप्ति के लिए अनुकूल जो कुछ भी है वो सब कुछ ग्रहण करना ही युक्त वैराग्य है। अगर भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है तो कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे, सेवा के लिए अनुकूल नहीं तो कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे, ये होता है भक्त। बोलते हैं उनको ऐसे समझना होगा हमें। क्या है तो? नहीं नहीं ये नया है ना, इसीलिए थोड़ा सा बोलते हैं। कनक कामिनी प्रतिष्ठा बागिनी छाड़िया छे जारे सही तो वैष्णव। अब बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, ये कैसे छूटेगा, ये तीनों कैसे छूटेगा, जिसके अंदर एकांतिक भक्ति है भगवान के प्रति,
जिनके अंदर भगवान का सेवा का ही एकमात्र ध्येय रहता है, तभी ये चीजें छूटते हैं, नहीं तो छूटेगा नहीं। कनक कामिनी प्रतिष्ठा ये तीनों ही जिसका छूट गया, जिसने छोड़ दिया है, बोलते हैं छाड़ी आचे जा रहे, सही तो वैष्णव, जिसने छोड़ दिया वही वैष्णव है। लेकिन छोड़ना कैसे, फल्गु वैरागी की तरह छोड़ना नहीं है, उसको छोड़ना कैसे है, कृष्ण सेवा के अनुकूल छोड़ना है। मदर थे त्यक्त कर्माणि त्यक्त स्वजन बांधव, जो स्वजन है, जो बंधु है, जो बांधव है, और जितने भी लौकिक कर्म हैं, वो सब कुछ मदर थे मेरे लिए जिसने त्याग किया है, मेरे उद्देश्य से जिसने त्याग किया है, किसी अन्य अभिलाष के कारण नहीं मिला इसीलिए छोड़ के आ गया, ऐसा नहीं होता। मुझे भोग मिलता नहीं तो उसके पीछे भाग के क्या लाभ, इसीलिए छोड़ के आ गया, ऐसा नहीं। मेरे उद्देश्य से जिसने छोड़ा, बोलते हैं वो भक्त होता है, वो मुझे प्रिय होता है। सिर्फ छोड़ा नहीं, मेरे उद्देश्य से छोड़ा और क्या करता है, मेरा अनन्य भाव से भक्ति करता है, आराधना मेरा करता है, सेवा मेरा करता है, स्मरण मेरा करता है, चिंतन मेरा करता है, सब कुछ मुझ में ही आविष्ट होकर के रहता है, स्वयं को मुझ में नियुक्त करके रखता है, वो भक्त होता है। मदाश्रय कथामृष्ट सुनवंती च कथयंती च, मुझ में आश्रित होकर क्या करेगा, मेरे दिव्य कथामृत लीलामृत, मेरा जो चर्चा, उसका श्रवण भी करता है, कीर्तन भी करता है। सिर्फ वस्तु त्याग को ही वैष्णवता नहीं कहते। वैष्णव वो है जो केवल अपने समय को, अपने सर्वस्व को केवल मात्र गोविंद के चरणों की सेवा के लिए ही समर्पित करे। इसे श्रील भक्तिनो ठाकुर इशारे देते हैं, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्वस्व तुमार चरणे सौंपिया पड़ेची तुमार घरे, सब कुछ मैं आपके पाद पद्म में अर्पण करके, समर्पित करके, मैं आपके द्वार के निकट में पड़ा हुआ हूं, अब भीतर भी प्रवेश नहीं करूंगा, द्वार के निकट ही पड़ा हुआ, आपकी इच्छा, अगर आप चाहें तो ठीक है, नहीं तो मैं द्वार के पास में पड़ा हूं। तुम ही तो ठाकुर, आप मेरे प्रभु हैं और मैं आपका कुत्ता हूं, तुम्हार कुकुर। चाहे जितना भी पशु है कुत्ता, लेकिन देखा जाए बड़ी विशेष है वो, क्योंकि उसका समर्पण और उसका विश्वास देखा जाए तो मनुष्य में भी होता नहीं है। एक एक रोटी का टुकड़ा दे देने के बाद, सिर्फ एक कुछ भी, और उसके बाद पीछे आ जाता है ऐसे ऐसे करके। इसीलिए भक्त लोग कुत्ते के साथ में तुलना भी करते हैं, ऐसा बनना चाहते हैं, मैं आपका कुत्ता हूं और आप कौन है, मेरे प्रभु है, आप मुझे अपने निकट में रख लीजिए, बांध करके रख दीजिए अपने चरणों में, बस यहीं पर रख दीजिए, मुझे और कुछ चाहिए नहीं। भक्त ऐसा होता है, उसको और किसी चीज के प्रति रुचि नहीं होता, किसी और चीज के प्रति आकर्षण भी नहीं होता, और वो
भगवत विमुख जितने भी होते हैं, जो कृष्ण विमुख जन हैं, उनको अपने पास कभी भी आने भी नहीं देते। या यूं कहें, कृष्ण विमुख जन को कभी भी भगवान के पास जाकर उनको बाधा देने भी नहीं देते। इसलिए बोला प्रतिपजने राशिते ना दी, वो मैं तो आने नहीं दूंगा उनको। चलो, शुद्ध भक्त ऐसा होता है। कारण क्या है? वो नहीं आने देता, ऐसी बात नहीं है। एक पतित जीव, एक बद्ध जीव उनके पास जा ही नहीं सकता, क्योंकि उनके पास कृष्ण के अतिरिक्त कोई और वस्तु होता ही नहीं। इस कारण से एक भोगी व्यक्ति कभी भी वहां नहीं जा पाता, क्योंकि वहां जाने पे उसके भोग के प्रवृत्ति के ऊपर आघात पहुंचता है, उसका भोग प्रवृत्ति के ऊपर चोट पहुंचता है। वो भोग करना चाहता है, यहां पर प्रेरणा दिया जाता है, यहां पर उत्साह दिया जाता है समर्पण का। जो भोग करना चाहता है उसके अंदर भोक्ता भाव प्रबल रहता है। जो प्रेरणा दिया जाता है सेवा का, वहां पर दास का भाव प्रबल रहता है। दोनों ही पूरा कॉन्ट्रास्ट है। इसीलिए इस तरह का भोगवांछा वाले व्यक्ति कभी भी शुद्ध भक्तों के निकट जा ही नहीं सकते। कोई भाग्यवान जीव जब अगर ऐसे शुद्ध भक्तों का संग को लाभ करने के लिए चला जाता है, तब उसका भाग्य उदय हो जाता है। कौन जा सकता है? इसीलिए सबसे पहले में वही व्यक्ति का चित्त शुद्ध होगा, वही व्यक्ति का चित्त अपने परमार्थ सिद्धि के लिए अनुकूल अवस्था में आएगा। विषय में लुप्त जो व्यक्ति होगा, विषय में फंसा हुआ व्यक्ति जो होगा, वास्तविकता में वो व्यक्ति कभी भी अपने परमार्थ चिंतन नहीं कर सकता। जहां से उसका परमार्थ आरंभ होना होता है, उस जगह की तरफ कभी वो उन्मुख हो ही नहीं सकता। और अगर हो गया तो उसका त्राण सुनिश्चित है, उसका त्राण सुनिश्चित है, उसका मंगल सुनिश्चित है। इसीलिए भोग कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि अंदर से उठा के बाहर फेंको, वो अपने आप निकल जाता है संग के प्रभाव से। इसीलिए बोल दिया ततो दुस्संगम उत्सृज्य सत्स सज्जेतु बुद्धिमान। बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना है? दुस्संग को छोड़ना है। वो दुस्संग को त्याग करने के लिए सबसे पहले अपना अंदर के शुद्धि बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो क्या है? वेगों के ऊपर नियंत्रण, दोषों को शोधन करना, ये सब जरूरी होता है। लेकिन ये स्थूल होगा तो एक साधक अपने प्रयास से इनको शोधन कर सकता है। ये स्थूल तो है ही नहीं, ये सब तो सूक्ष्म है। ये सूक्ष्म जो वेग है, सूक्ष्म दोष है, इनको शोधन करने का जो प्रक्रिया है वही साधु संग है, शुद्ध भक्तों का संग। इसीलिए यहां पर बताया वैष्णव का संग करो। वैष्णव का संग करने पर आज हमें समझ में आता नहीं, एक बद्ध अवस्था में होने के कारण ये चीज समझ में आता नहीं कि हमें किस प्रकार से लाभ हो रहा है। एक कहानी पढ़ा था मैंने, बहुत सुंदर कहानी है। उसमें बोलते एक पिता रोज भगवान का नाम को करता रहता है, उसको देखा देखा बेटा भी करता है, लेकिन बच्चे को लगता है कोई लाभ तो होता नहीं है ये सब करके। तो पिता के पास आके पूछता है कि इससे लाभ क्या है, ये सब कर रहे हैं इससे लाभ क्या होता है? तो पिताजी बोलते एक काम करो, वो जो
कोल होता है ना, कोल, वो जो काला काला सा होता है, आग जलाते हैं, कोल, हिंदी में कोयला, अंग्रेजी में कोल, जो कोल होता है उसको उठाने वाला जो टोकरी देके कहता है तुम इसमें पानी भर के लाओ नीचे नदी से। अब एक टोकरी, उसके अंदर जो बहुत सारे छिद्र है, उसमें से पानी कैसे लेके आएगा? बोलते तू जाके जल्दी पानी लेके आ जा। वो नीचे भाग भाग के गया नदी में, पानी भरा लेकर के आया, जब तक पिता के पास आया खाली हो गया। पिता बोलते पानी कहाँ है? बोलते रास्ते में गिर गया। बोलते जल्दी कर फिर। इस बार सोचा और थोड़ा करके तीन चार बार होने के बाद देखता है कि टोकरी में तो पानी तो आता नहीं, आएगा ही नहीं, जाली वाला टोकरी है, उसमें पानी कहाँ से आ सकता है? तो पिता बोलते तुम्हें कुछ समझ में आता नहीं? और बोलते नहीं। और बोलते जब पहली बार टोकरी को नदी में लेके गया था वो कैसा था? कोल उठा के, कोयला उठा उठा के एकदम काला हो गया, गंदा हो गया एकदम। लेकिन इतनी चक्कर काटा पानी लाने के चक्कर में, वो इतने बार नदी में जाके आके जाके आके धुल के बिल्कुल साफ हो गया, नया जैसा बन गया बिल्कुल। बोलते हैं यही होता है, तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, परिवर्तन अपने आप आ जाता है, स्वाभाविक रूप से आ जाता है। ऐसे ही शुद्ध भक्तों के वाणी को सुनकर श्रवण करते हुए उनके निर्देश के अनुसार आचरण करने के लिए प्रयासरत रहेंगे, अपने आप जीवन में परिवर्तन आ जाता है, लाना नहीं पड़ता। पहले स्वयं को सुधारना पड़ता है, लेकिन भक्त संघ का विशेषता है कि हमें सुधारने का जरूरत नहीं, हमारा जीवन अपने आप ही सुधर जाता है। क्यों? क्योंकि नाम ही सत्संग है, वो तो साधु संग है। ऐसा साधु संग मतलब क्या है? जो श्रेष्ठ है, जो सत्य है, उसी का संग, जो सत्य है उसी का संग, जो तत्व है उसी का संग, जो वास्तविकता है उसी का संग, यथार्थ है उसी का संग। इसीलिए साधु संग में जो भी है वो नित्य होता है, ये विशेषता। इसीलिए बोल दिया दुस्संग वहां पे अपने आप खत्म हो जाता है। हमें क्या करना है? उनकी तरफ उन्मुख होना होता है, बस। भगवान ने बुद्धि दिया, उस बुद्धि को प्रयोग करते हुए हमें सिर्फ उनकी तरफ उन्मुख होना है। उसके बाद का जो कार्य होता है वो सब स्वतः अपने आप ही होने लग जाता है, वही उसकी विशेषता। हमें करने की जरूरत नहीं होता, क्योंकि शुद्ध भक्त के पास भगवत प्रेम रहता है, भगवान रहते हैं। भगवान जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ केवल मंगल होता है, अमंगल होने की किसी भी प्रकार की संभावना होता ही नहीं है, किसी भी प्रकार से वहाँ अमंगल होने की संभावना है ही नहीं। इसीलिए बताया, और बोलते ये चीजें जिसने छोड़ा भक्त संग से, भक्त के कृपा से, भक्त के प्रभाव से, व्यक्ति के जीवन से ये तीनों ही निकल के बाहर चले जाते हैं ऐसे, बट और वही व्यक्ति वैष्णव बन जाता है, वही व्यक्ति वैष्णव बन जाता। और ऐसे जो अनाशक्त, जो वैष्णव, किसमें अनाशक्त? वास्तविकता में अनाशक्त मतलब है कृष्णाशक्त से ही अनाशक्त। वो जो अनाशक्त व्यक्ति है किसमें अनाशक्त?
कृष्ण में आसक्त व्यक्ति है। संसार में अनासक्त होने से पर्याप्त नहीं है। वो कौन होता है? वो भक्त संग में रहने के कारण कृष्णाशक्ति होता है उसका। इसीलिए वो जो कृष्णाशक्त व्यक्ति, जैसे भगवान में प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से जागतिक निवृत्ति है, हमें जगत से निवृत्त होने की जरूरत नहीं पड़ता, श्री कृष्ण में प्रवृत्त होने पर ही संसार से व्यक्ति स्वतः निवृत्त हो जाता। और दूसरा, भगवान में निवृत्ति भी नहीं है, संसार में निवृत्ति है, भगवान में निवृत्ति नहीं है, ये भी विशेषता है। इसीलिए कोई वस्तु को इस जगत के अंदर भोग करते करते एक समय आने के बाद व्यक्ति उब जाता है, उसको लगता है बस और नहीं, इससे ज्यादा नहीं और नहीं चाहिए। लेकिन भगवान में जब एक व्यक्ति उनके नाम में प्रविष्ट होता है, भगवत सेवा में प्रविष्ट होता है, तो वहां पर निवृत्त नहीं होता। भक्ति के अंदर निवृत्ति है ही नहीं। क्यों? निवृत्ति जहां पर एक सीमा है वहां पर निवृत्ति है, जो असीम है वहां पर निवृत्ति है ही नहीं, जो अनंत है वहां पर निवृत्ति है ही नहीं। जितना व्यक्ति उसकी गहराई में उतरता है, जितना व्यक्ति उसके अंदर में उतरता है, वो उतना ही आनंद को वर्धन करता जा रहा है, और जितना आनंद वर्धन होता जा रहा है और उतने आगे को वो प्रवृत्त हो रहा है। ऐसा बोल दे, प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादन। ये जो पूर्ण अमृत का जो आस्वादन पग पग पे हो रहा है, जब अमृत का आस्वादन हो रहा है, तो फिर उसको पान करने की जो व्याकुलता उत्कंठा, वो विश्राम नहीं लेता, क्योंकि वो जो पूर्णामृत भी अनंत प्रकार से अनुभव होने लगता है, क्योंकि भगवान अनंत है, भगवान सीमित है, तो अलग विचार होता है। लेकिन भगवान तो असीम है, भगवान असीम अनंत होने के कारण उनके द्वारा प्राप्त जो आनंद है वो भी अनंत प्रकार से होता है, उसके अंदर वेरिएशंस जो होते हैं वो कई प्रकार से होते हैं। ऐसा इस कारण से भक्त निवृत्त नहीं हो पाता उससे, संसार में ऐसा नहीं है, लिमिटेड है। इसीलिए एक पॉइंट में आने के बाद वो अपने उस अनुभूति का डेड एंड पे पहुंच गया, वो उसके आगे कुछ नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं है, हर समय हर क्षण एक नवीन अनुभूति का उदय होता रहता है, इसीलिए यहां पर निवृत्ति है ही नहीं। एक गाने को भी आदमी 10 बार सुन सकता है, 20 बार सुन सकता है, लेकिन महामंत्र बहुत सारे लोग, साधक भी और सिद्ध भी, रोज करे जा रहे, उगते नहीं है। क्यों? वास्तविकता में इस चीज को वो लोग जो सिद्ध हैं वो तो अनुभव कर पा रहे हैं, जो साधक हैं वो अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सत्य ये है, नाम के अंदर इतना आनंद है, वो आनंद उसको छोड़ने नहीं देता है, वो आनंद ने उसको पकड़ के रखा हुआ है कि तू मत जा, मिलेगा। ऐसा अभी तो उगता नहीं है, हरिनाम करके महामंत्र करके भक्त लोग उगते नहीं है। क्यों नहीं उगते भैया? एक ही मंत्र है, 64 माला करो, इतनी माला करो, 16 करो, 15 करो, जो भी करो, करते जा रहे, क्यों नहीं उभरा? क्योंकि नाम का एक विशेषता है, अपना है, नाम का आकर्षण अपना है, और वो आकर्षण भी अनंत होने के कारण साधक बद्ध है, इसीलिए उसको नहीं समझ में आ रहा।
नाम प्रभु लेकिन कृपा करके वो मेरे पास आया, मेरा आश्रय लिया, ठीक है, तो नाम प्रभु ने उसको पकड़ा हुआ है, इसीलिए वो भजन करता है। वो कई बार नामापराध करता रहता है, लेकिन फिर भी नाम प्रभु कृपा करके नाम करने से उन अपराधों को और ध्यान नहीं देते। इसलिए बोला भगवान के नाम के प्रति भी अगर अपराध होता है तो हरि नाम से उसका मार्जन हो जाता है, क्योंकि भगवान कृपा करके नाम रूप में विराजमान है और नाम रूप में विराजमान होके जीव को देख रहे हैं तो वो अपराधी है। कोई बात नहीं, नाम कर रहा है, तुम चल आ जाओ, ऐसा उसके ऊपर कृपा कर देते। ये विशेषता है वहां पर, इसीलिए बोलते हैं ऐसे जो अनासक्त व्यक्ति, जो संसार से जिसकी आसक्ति नहीं, जिसका कारण है भक्त संघ के कारण कृष्ण में उसका आसक्ति हो गया, वही शुद्ध भक्त है। वही व्यक्ति शुद्ध भक्त है जो श्री कृष्ण में प्रवृत्त है, कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण नाम में तत्पर, विभोर, परायण जो भक्त होता है, भगवान की दिव्य रूप माधुरी के अथा समुद्र के अंदर डूबकर बाहर नहीं आना चाहता है, वो भक्त है। वो बाहर नहीं आना चाहता कि और नहीं, मुझे बाहर नहीं आना, मुझे नहीं चाहिए। क्या चाहते हो? बोलते और गहराई में जाना चाहता हूं। उनका जो चित्त है वो उस रूप माधुरी के अंदर डूब गया हुआ होता, ऐसे डूब गया, ऐसे डूब गया, वो बाहर ही नहीं निकलना चाहता। ऐसे जो प्रियतम भक्त होते हैं भगवान के, उनको ही शुद्ध भक्त कहा गया है। ऐसे ही है शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल कह दिया। अरे शुद्ध भक्तों के पाद पद्म में स्पर्श हुआ जो धूल है वो भी भजन के लिए अनुकूल है। नहीं होता तो श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज अपने ही चरण धूल को उठाकर प्रभुपाद जी को अभिषिक्त नहीं करते। नहीं होता तो नरोत्तम ठाकुर का इस प्रकार से लोकनाथ गोस्वामी कृपा नहीं करते। ऐसा और क्या बोलते हैं, वैष्णव पद धूली, वैष्णव पद जल, वैष्णव अवशेष जो प्रसाद है वो क्या है? ये साधन का बल है। किस लिए बल है साधन का बल? क्योंकि वैष्णव गोविंद को अत्यंत प्रिय है। जो भगवान के अतिरिक्त किसी और वस्तु को जानता भी नहीं और इस कदर भगवान में डूबा हुआ रहता है कि उसको बाह्य ज्ञान स्वाभाविक रूप से नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि वो देखना नहीं चाहता, दिखता नहीं है, अंधा तो है नहीं, दिखता है, लेकिन उसके प्रति उसका कोई भी रुचि, आवेश, आकर्षण इत्यादि नहीं रहता है। ऐसे होते हैं शुद्ध भक्त। बोलते हैं ऐसे भक्तों के पास जाकर उनके संग की अभिलाषा जब एक व्यक्ति करेगा, ऐसा व्यक्ति जब अभिलाषा करेगा तब जाकर उसके जीवन के अंदर उसको संग प्राप्त होता है, कृपा प्राप्त होता है। यहाँ रूप गोस्वामी जी बोल रहे हैं जो कृष्ण नाम उच्चारण करता है, वो जो एक कृष्ण नाम जो उच्चारण करता है, एकमात्र कृष्ण नाम उच्चारण जो करता है, वो साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। वो वही व्यक्ति है जिसने साधु संग करके साधुओं का कृपा लाभ किया है और कृष्ण के प्रति उसका समर्पण हुआ है, इसीलिए एक कृष्ण नाम के प्रति उसका निष्ठा हुआ है। इसलिए बोलो जो व्यक्ति एक कृष्ण नाम करेगा, और जो व्यक्ति सिर्फ नाम का नहीं, नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप, तीनों भेद नाए चिदानंद रूप, ये जो नाम है विग्रह स्वरूप तीन एक,
इसीलिए भगवान का विग्रह के प्रति, अर्च विग्रह के प्रति सेवायुक्त होगा, उसके प्रति समर्पित होगा विश्वास के साथ कि ये मूर्ति नहीं है, कृष्ण है। ऐसे जो भक्त होता है वो साधारण व्यक्ति नहीं होता है। इसलिए बोल रहे हैं ऐसे जो भक्त है उनका आदर करना। और इसके बाद उनको कनिष्ठ श्रेणी का वैष्णव में गणना किया। और नाम में जो रुचि जिसका है, प्रबल रुचि है, निरंतर नाम करते रहते हैं। और उसके बाद भगवान और भक्त दोनों में उनका रुचि है, समर्पण है, श्रद्धा है, वो बोलते वो श्रेष्ठ है, उनको नमन करना है, प्रणाम करना है, सेवा करना है। लेकिन पूर्ण समर्पण की बात आ रहा है, वो वैष्णव जो इन सब विकार, इन सब चीज़ों से ऊपर की स्थिति में रहता है, जो केवल भगवत कथा, भगवान की लीला, भगवत उपदेश का ही चिंतन करता रहता है और भगवान की सेवा करता रहता है निरंतर, और जितने भी जीव हैं उन सब में भगवान का ही अवस्थान को देखता है, जीव मात्र को, और स्वयं नाम के रस में डूबा हुआ रहता है, ऐसे जो परम श्रेष्ठ जो वैष्णव होते हैं उनके पाद पद्म में जाकर के आश्रित हो जाओ, तब जाकर के तुम्हारा मंगल होगा। ऐसे रूप गोस्वामी जी उपदेश दे रहे हैं, तब जाके मंगल होगा, अन्यथा मंगल हो नहीं सकता। उनके पास जाके क्या करना होगा? प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तीनों ही करना होगा, तब जाके मंगल होगा। इसका सबका शुरुआत जो होता है वो सब संघ से ही होता है। ऐसा नहीं आकाश में से टपक के आया, वो नित्य सिद्ध परिकर कोई कोई होता है जो कि जन्म से ही ऐसे होते हैं, क्योंकि वो लोग भगवान के कृपा से, भगवान के इच्छा से, भगवत धाम से आते हैं। बाकी साधक जितने भी है उसमें कोई दोष नहीं है, वो साधक है, बदजीव है, उसके बाद वो साधना करते करते साधक बनता है, अनगत करते करते धीरे धीरे हरिनाम का आश्रय लेकर, साधुगुरु वैष्णव का आश्रय लेकर, अपने आचरण को शुद्ध करते हुए पवित्र होकर अपने साधना का सिद्धि को लाभ करता है, और वो भी भगवत कृपा को प्राप्त करके भगवत सेवा में प्रविष्ट हो जाता है। इसीलिए ये चीज हमें समझना होगा। इसके आगे का जो चर्चा छठा श्लोक का, वो हम लोग कल करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।